नमस्कार बच्चों, और हमारे जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उसे भी हमारा नमस्कार। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के पार्ट एडजेक्टिव को हम लोग पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव में कुछ भागों को हम लोग पढ़े थे। एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़े थे। एडजेक्टिव के कुछ जो उसके भेद हैं, प्रकार हैं, वह 10 हैं। उन 10 में से 5 को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज जो बचा हुआ 5 है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बातें तो आप लोगों के चित्र से पता हो चुकी होगी कि एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव शब्दों, जैसे नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उस शब्दों के मीनिंग को बदलने का काम करता है। मीनिंग को बदलने का काम करने का मतलब यह उसकी विशेषता को बताता है कि कोई शब्द किस तरह से कोई किसी वाक्य में जिस नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हुआ तो उस नाउन और प्रोनाउन में एक शब्द उसके पहले लगकर, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, लगकर क्या परिवर्तन लाया, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। एडजेक्टिव की जो पिछली बातें हैं उसको तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यह बात उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि यह चैनल आपका है, और जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इच एवरी आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। यही शब्द एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये शब्द कौन कौन से हैं? इच एवरी आइदर एंड नाइदर, इच एवरी आइदर एंड नाइदर, ये ऐसे शब्द हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। लेकिन कब है? जबकि ये किसी नाउन को फॉलो करे, मतलब नाउन से जस्ट पहले आए, नाउन को फॉलो करे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं? ईच एवरी आइदर एंड नाइदर। ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कहाँ पे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ करते हैं? बंटवारे के लिए, बांटने के लिए, जो किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बांटना हो, तो ईच ऐसे वर्ड है, एवरी आइदर नाइदर ये ऐसे वर्ड है, किसी भी चीज को बांट बांट के प्रत्येक में, सभी में, उन चीजों में बोध कराता है, उन शब्दों का बोध कराता है, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है, सभी मनुष्य का अपने अपने जीवन में अपना अपना कर्तव्य होता है, अपना अपना कर्तव्य होता है। तो इच एवरी, इस तरह के शब्द जब आ गए हैं, एवरी मैन सभी के, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य नहीं, ये सबका कर्तव्य है। अपना अपना क्या है? कर्तव्य है। जैसे कोई पुत्र है तो उसका पुत्र का कर्तव्य है, कोई पिता है तो उसका पिता का कर्तव्य है, पुत्री है तो उसकी पुत्री का, पुत्री का उसका कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को उन्हें पालन करना चाहिए। ईच गर्ल हैज अ बुक, मतलब क्लास में बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो सभी गर्ल्स के पास बुक है, ये बताया जा रहा है कि ईच गर्ल हैज अ बुक, सभी लड़कियों के पास किताब है, ये बताया जा रहा है। तो ईच एवरी, जैसे यहाँ ईच एवरी आइदर एंड नाइदर, ये सभी ऐसे वर्ड हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, बांटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव, इंटेरो से समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन के लिए इंटेरो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कि इंटेरो, इंट्रो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब पढ़ रहे सेंटेंस वगैरह के बारे में जाने, तो हम लोग क्या थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस होते हैं? जो प्रश्न पूछने के ख्याल से आए, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट विच एंड हुज, व्हाट विच एंड हुज, ध्यान दीजिए शब्द पे, व्हाट विच एंड हुज, ये ऐसे शब्द हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले प्रयोग होकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाता है। लेकिन कब? आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन, वो नाउन से पहले आए, ये शब्द जो है कौन कौन से शब्द, व्हाट विच हुज, ऐसे शब्द हैं जो ऐसे ये क्या करें, नाउन से जस्ट पहले आए, नाउन से पहले आकर के और उस सेंटेंस को जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं वो सेंटेंस को प्रश्नवाचक
सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में बदल दे कि प्रश्न पूछने के ख्याल से उसका उपयोग किया जा रहा है, तो इस तरह के शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे व्हाट, व्हाट मतलब तो क्या होता है, बट यहाँ कोई सेंटेंस में नाउन के पहले आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। विच, हुज, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हुज बाइक इज दिस, यह बाइक जो है किसकी है, हुज बाइक इज दिस, ये देखो बाइक नाउन है, नाउन से पहले एक शब्द आया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। क्यों, नाउन से पहले शब्द एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, नाउन से पहले जो है हुज बाइक इज दिस, यह बाइक किसकी है, तो इसका जो प्रयोग किया गया, हुज का प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया, एक नाउन के लिए, किस नाउन के लिए, इस बाइक के लिए, कि यह बाइक जो है किसकी है, तो यह शब्द क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। विच कार इज योर्स, तुम्हारी, इसमें तो कह रहे हैं बहुत सारी कार कहीं पे खड़ी हुई है, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि विच कार इज योर्स, कि तुम्हारी कार कौन सी है, आपकी कार कौन सी है, तो इसलिए विच सेंटेंस का ये कार नाउन के लिए जो है विच शब्द का कार नाउन से पहले उपयोग किया गया, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो कैसा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, कैसा कह रहे हैं कि कोई बच्चा क्लास में है, क्लास में वो सुन पाया या नहीं सुन पाया, तो क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्वेश्चन पूछ गया कि व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, टीचर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, क्या प्रश्न किया, इनके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, नाउन है, उससे पहले एक शब्द आया जो क्या है, व्हाट है, मतलब क्वेश्चन को, क्वेश्चन नाउन से पहले एक शब्द व्हाट आ गया, यह एडजेक्टिव बन गया। तो ये कैसा एडजेक्टिव बन गया, व्हाट, क्वेश्चन पूछने के लिए, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसा, कौन सा क्वेश्चन शिक्षक ने हमें पूछा, तो इसके लिए जो किया गया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर, प्रॉपर खास, जैसे हम लोग नाउन में पढ़े हैं प्रॉपर मतलब खास, तो नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि एडजेक्टिव कैसा है। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर लिखा एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, बहुत ही चीज है, जो प्रॉपर नाउन से जो जिस एडजेक्टिव का प्रादुर्भाव हुआ, जो एडजेक्टिव बना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बना उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, जैसे प्रॉपर नाउन कौन से हैं, इंडिया, राम, श्याम, बिहार, नेपाल, ये सभी जो किसी खास वस्तु व्यक्ति के जगह का या वस्तु व्यक्ति या जगह का नाम जो होता है कोई खास, तो उसे हम लोग प्रॉपर कहते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनता, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बना उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे अब लिखा आई एम एन इंडियन, तो इंडिया से क्या बन गया, इंडियन, आई एम एन इंडियन स्टूडेंट, ही इज अ नेपाली, वो एक नेपाली है, राम इज बिहारी, राम क्या है, बिहारी, तो बिहार से क्या बन गया, बिहारी, डू यू, या रामू है, रामू इज बिहारी, डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, क्या आप यूरोपियन कल्चर को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो यह कल्चर की बात हो रही, यूरोप से क्या बन गया, यूरोपियन, यूरोप से यूरोपियन, तो यह जो है क्या है, प्रॉपर नाउन से जिस एडजेक्टिव का मतलब प्रादुर्भाव होता है, जो एडजेक्टिव बनता है, जो शब्द एडजेक्टिव शब्द नाउन से बनते हैं, कौन से नाउन से, प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, इम्फेसिजिंग का मतलब होता है बल डालना, किसी भी शब्द पर बल डालना, उसको एफर्ट लगाना, मतलब कि हाँ उस शब्द को खास बताना है। ऑन एवरी सेम वेरी सेम इटीसी आर सच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस ऑन द नाउन्स दैट फॉलो देम, सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव, ऑन, वेरी सेम इटीसी, ऐसे कुछ शब्द हैं जो क्या करता है, इम्फेसिस करता है किसका, एडजेक्टिव का, ये एडजेक्टिव के रूप में उपयोग होता है, इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव के रूप में उपयोग होता है, तब उपयोग होता है जब नाउन को इम्फेसिज करता है, किसी नाउन को फॉलो करता है, इम्फेसिज करता है, मतलब उस पर बल डालता है, उसे हम लोग इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही लिव्ड इन द वेरी सेम कॉलोनी फॉर 20 years, वह वही कॉलोनी में, उसी कॉलोनी में कब से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, इसके बारे में जब बताया जाए इस प्रकार से, उस पर डाला गया वेरी सेम कॉलोनी, वेरी सेम किसके लिए आया, तो कॉलोनी के लिए, क्या कि इस कॉलोनी के लिए वेरी सेम जो आया, वेरी सेम क्या है, इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव
है। इंफेसिंग एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि वह कॉलोनी पे बल डाल रहा है, इसे हम इंफेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। है, क्या है? तो ऑन, वेरी सेम, ये सभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो वही, जैसे, उसी चीज के लिए, ऐसा शब्द को बल डालने के लिए उपयोग करें, उसे हम लोग इंफेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है, आई सॉ द टाइगर विद माई ओन आईज। आई सॉ, मैंने टाइगर को देखा। कैसे देखा? मैं अपनी आंखों से देखा। आंखों पे बल डाला जा रहा है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है टाइगर को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आई सॉ द टाइगर विथ माई ओन आईज, मतलब टाइगर को देखा। तो कैसे देखा? माई ओन आईज से देखा। ये सब शब्द का जब उपयोग किया जाता है तो यह शब्द कैसे हैं? इंफेसिजिंग एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का अंतिम भाग, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यह जो है एक एडजेक्टिव के जैसा यूज हो, कौन सा शब्द? तो व्हाट एडजेक्टिव के जैसा यूज हो, क्या करने के लिए, कब ऐसा यूज होता है? जबकि एक्सक्लेमेशन जैसे सेंटेंस का उपयोग किया जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उसका उपयोग किया जाए। किसका? व्हाट का। व्हाट का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका एक्सक्लेमेशन का मार्क। एक्सक्लेमेशन के मार्क से हम आप पहचान सकते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? तो व्हाट शब्द का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट एक ऐसा वर्ड है जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट एन आइडिया, हुआ क्या विचार है? व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्या एकदम खुशनुमा सरप्राइज है, बहुत खुशी की बात है। इस तरह के शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है वर्ड का यूज किस रूप में हो रहा है? एक्सक्लेमेशन के, आश्चर्य के रूप में हो रहा है कि यह अ व्हाट, व्हाट एन आइडिया, मतलब बहुत अच्छी बात है, व्हाट एन आइडिया, कैसा अच्छा विचार है। इस तरह का जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। तो मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्रों, आज यह एडजेक्टिव का चैप्टर समाप्त हो रहा है। एडजेक्टिव के पार्ट्स और भी कुछ, मतलब पार्ट्स तो बाकी नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव जब डिग्री वगैरह पढ़ेंगे हम लोग तब उस पर ध्यान देंगे। अभी आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।